a number is increased by 20% and then decreased by 20%, what percentage increase or decrease? What percentage increase or decrease? सवाल यह है कि एक नंबर है उसको 20% बढ़ाया गया है, ठीक है, और उसके बाद उसी को 20% कम किया गया है। वो कहते हैं जी वो नंबर आप ये बताएं कि वो नंबर जो है कितने परसेंट बढ़ गया है या कम हो गया अपनी ओरिजिनल वैल्यू। अब वो नंबर का हमें नहीं पता कि वो नंबर है कौन सा। हम क्या करते हैं, फर्ज करते हैं, ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है जिसकी जो 100 है, 100 का हम क्या करेंगे, इंक्रीज क्या करना है, 20% इंक्रीज करना है, प्लस करेंगे 20% मल्टीप्लाइड बाय वही नंबर जो कि हमारे पास उसने नंबर वो पूछा है। जनाब नंबर कौन सा है, नंबर 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100, इसी के अंदर इंक्रीज हुआ है ना 20%, ठीक है। तो ये जनाब 100 प्लस 20% का मतलब है 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ये 100 से के अंदर बाकी 20 बच जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि 120 बन गया। यानी अगर आप 100 का लें 20% तो 20 नहीं बनेगा, तो 20 को 100 के अंदर जमा करें 120 बन गया। ओके, अब उसने कहा है कि ये होगी उसकी पहली स्टेटमेंट, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20। जी जी सर, ये 20 से पहले जो आपने 100 लिखा है ये आपने कैसे लिखा है, मतलब कि नंबर की जगह लिखा आपने? अच्छा, ये फर्क किया। अगर मैं इधर 100 की जगह 5 लिखता तो यहाँ भी 5 लिखता, यहाँ पे 7 लिखता तो यहाँ 7 लिखता, ये मैंने फर्जी नंबर लिया। अच्छा जी, अब आगे सवाल ये है कि देन, वो कहते हैं देन डिक्रीज बाय 20%। अब वो कहते हैं यही नंबर है, आप इसको इंक्रीज किया फिर इसको डिक्रीज करें, अब कितना बन गया 120। अब हमें पता चल गया कि वो नंबर कितना है, अब वो है 120 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई 120, ठीक। अब ये है जनाब, यहां पे क्या हुआ, इंक्रीज किया हमने, अब यहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये जो हमारे FIA के एग्जाम आ रहे हैं ना, इसके अंदर ये सवाल इस तरह से सवाल जरूर आएंगे। अच्छा जी, अब देखें जनाब, हमारे पास 120 है मल्टीप्लाइड बाय 20/100 हमने फर्ज किया वो, अगर फर्ज वो 100 हो, 100 का आप 20% लेंगे तो कितना बनेगा, 20 बनेगा, तो वो बन गया 120 एंड देन डिक्रीज बाय 25%। कहते फिर उसी नंबर को आप डिक्रीज करें, इस 120 को हमने डिक्रीज करना है। पहले हम 120 का 20% तो ले, 120 का 20% क्या है, 120 मल्टीप्लाई बाय 20%, जब इधर 120 है तो इसी नंबर का डिक्रीज कर रहे हैं ना, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मतलब है कि बल्कि डिक्रीज करें तो हम माइनस करेंगे। समझ आ गई बात की, यानी उसी नंबर जो डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है उसी को हमने डिक्रीज करना है। अब देखें हमारे पास 120 माइनस, ये देखें ये सिफर इस सिफर के अंदर, ये सिफर इसके अंदर, बाकी क्या बच गया, बाकी 2^12 बच गया, 120 माइनस 24 जवाब हमारे पास आ गया 96, ठीक। अब मुझे एक बात बताएं, वो नंबर जो हमने फर्ज किया था वो कितना नंबर था, ओरिजिनल नंबर 100 था, अब कितना बच गया, अब 96, तो फर्क कितना हो गया 4 का, तो ये जनाब 4% डिक्रीज हो गया, 4% डिक्रीज। अगर आपको इस सवाल की समझ आ गई तो बता दें, वरना मैं आपको दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। एक नंबर था उसने कहा जी वो इंक्रीज हुआ है
20%। मैंने ये कहा कि जो फर्ज करें आप उसका 20%, फर्ज करें आपके पास 100 रुपए का 20% आपने लेना है, 100 का 20% कितना बनता है, 20 ही बनता है, 100 प्लस 20 कितना बन गया, 120 बन गया। वो कहते हैं एंड देन, और इसको देन इसको डिक्रीज करें 20%, और आप इसको डिक्रीज करें 20%। इसका मतलब है इसी नंबर को हम डिक्रीज करें 20%, इस नंबर का 20% लेंगे तो वो बन जाएगा 24, कितना बन जाएगा 24, 24 को हम 120 से माइनस करेंगे तो बाकी 96.5। अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर तो 100 था, यानी बाकी क्या बच गया 96, तो 100 में से 96 निकाले, बाकी बच गया 4। इसका मतलब है ओरिजिनल 100 में से 4 डिक्रीज हो गया, यानी 4% डिक्रीज हुआ। 4% क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये जो 100 है ये 100% है किस्म का, तो 4 डिग्रीज होगा, तो इसका मतलब है 4% डिक्रीज हुआ, ठीक हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीन शॉट ले, मैं एक और तरीके से बता देता हूँ, स्क्रीन शॉट जल्दी लीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, उसने ये तो नहीं कहा था नंबर भाई कौन से है। अब देखिए मैं आपको ये कहता हूं भाई, नंबर फर्ज करें वो है 1 रुपया, क्या नंबर है 1 रुपया, एक मतलब एक होता है, एक 1 रुपया है। वो कहते हैं जी 1 रुपए को आप 20% इंक्रीज करें, 1 रुपए का 20% कितना बनेगा, 0.20 बनेगा, 0.20 या 0.21 ही बात है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 0.2 जवाब आ जाएगा 1.2, ठीक। वो कहता है उसी नंबर को एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फिर उसी नंबर को डिक्रीज करें, हम 120 को दोबारा डिक्रीज करेंगे, 1.2220 × 20/100, 20% है ना। अब हम इसका लेंगे 20% पे, ये कितना बनता है, अगर हम इसके नीचे ये पॉइंट खत्म करके 100 लिख दें, यानी ये पॉइंट एक आदेश आगे दो आदेश दो सिफर आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखें दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगी, ये सिफर इससे खत्म हो जाएगी। अब देखें 2 × 50, अब जनाब हमारे पास आ गया, दो मजीद तकसीम करेंगे तो 6/25 आ जाएगा। अब हम 6 को जनाब तकसीम करेंगे 25 के ऊपर तकसीम करेंगे, इसके ऊपर नहीं जाता तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे, तो लिहाजा 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, बाकी 10, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10 मजीद लगाकर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जवाब 0 खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 0.24 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखें 1.20 है, 0.24 डिक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे तो जनाब क्या जवाब आ जाएगा, 0.96 आ जाएगा। इसका मतलब है रुपया 1 था, बाकी बच गया 0.96, तो 0.04 का फर्क हुआ, 0.04 इस के मुताबिक 4% डिक्रीज हो रहा है, वही वाली बात। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आप पेपर के अंदर अक्सर में ये दिया जाता है, तो एक्चुअली आपने 1 को 100 में कन्वर्ट करना है, 100 वाला जो सिस्टम है वो बहुत किसान है। अच्छा जी, सीरीज का सवाल है एक, बीस 32 42 59 74 एंड 100, हाँ जी क्या आना चाहिए यहां पर, आप अपनी तरह से करें। पहले नंबर पे देखें जनाब, हम क्या करेंगे,
सीरीज का सवाल है, पहले हम ये देखेंगे कि जनाब इनका जो आपस में डिफरेंस है वो क्या एक जैसा है, क्या फर्क से सिंगल सीरीज है या डबल सीरीज है, 20 और 32 के दरमियान क्या फर्क है, प्लस अगर आप 12 करें तो जवाब 32 आता है, प्लस 10 करें तो जवाब कितना आता है 42 आता है, इसके अंदर प्लस करें 15 तो हमारे पास जवाब 59 आता है, फिर 15 जमा करें तो 74 आता है। अब बात यह है और यह है कि प्लस 17 आएगा सर जी, 42 के बाद प्लस 17 17 आता है सर, 17 अच्छा हाँ 17 बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमारे पास जनाब ये देख लें आप कि यार ये जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, ये 45 अब सही है, अब आप भी कर लेंगे आराम से। देखिए ये है सिंगल सीरीज का सवाल, ठीक है, इसके अंदर जब हमने क्या किया, प्लस किया 12 तो जवाब आ गया 32, इसके अंदर जब हमने प्लस किया 13 तो जवाब आ गया 45, इसके अंदर जब हमने प्लस किया 14 तो जवाब आ गया 59, फिर इसके अंदर जब हमने प्लस किया 15 तो जवाब आ गया 74। बताएं जनाब इसके अंदर कितने जमा करेंगे, 90 आ जाएगा सर, 16 16 जमा करेंगे तो पास कितना 90 आ जाएगा। सिंगल सीरीज का सवाल है, इसको कहते हैं सिंगल सीरीज। अब नेक्स्ट का सवाल देखें, 4 और 11 के दरमियान कितना फर्क है, 7 का फर्क है, फिर जनाब ये 7 आ रहा है, इसके अंदर माइनस करेंगे तो ये जनाब माइनस 4 करना पड़ता है, इधर फिर प्लस 7 हो रहा है, फिर जनाब माइनस का 3 हो रहा है, फिर जनाब ये प्लस का 7, माइनस का 4 आएगा सर, इधर 14 और 10 में सर माइनस का 4 नहीं आएगा, किस तरह सर, ये 14 और 10 में माइनस 4 आएगा ना, माइनस 3 नहीं आएगा ना, ये 14 और 10 का जो डिफरेंस आपने 3 लिखा है सर, इसमें माइनस 4 आएगा जी, माइनस चार आ जाएगा। आप बताएं जनाब ये हमारे पास सिंगल सीरीज है कि पहले प्लस 7 हो रहा है फिर मैंने 4 है, फिर प्लस 7 हो रहा है फिर मैंने 4 है, फिर प्लस 7 हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, हम माइनस 4 आएगा फिर सर, माइनस 4 करेंगे तो जवाब 13 आ जाएगा। एक तरीका ये है इसका हल करने का, दूसरा तरीका ये डबल सीरीज का भी है, डबल सीरीज का भी है, 4 है 11 है 7 है 14 है 10 है 17 है 16 है। अब आपने क्या करना है, 4 और 3 7 7 और 3 10 और 3 13 हो गया, ठीक, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अब आगे देखते हैं कि ऊपर भी ऐसे ही फर्क है सेम, तो फिर तो जनाब ये है सिंगल सीरीज का बिल्कुल ठीक है जवाब। देखिए 11 प्लस 3 14 14 प्लस 3 17, और अगर ये 13 मौजूद होता तो फिर यहाँ पे कितना आ जाता जनाब, बताएं, अगर ये 13 जवाब मौजूद होता फिर यहां पर कितना आता, 20 आता, बिल्कुल जनाब से। इसका स्क्रीनशॉट लें, अच्छा जी इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जनाब सबसे पहले पार्क स्टडी को, और उसके बाद फिर हम आएंगे जनाब जला उसके ऊपर उमैया डायनेस्टी के ऊपर, उमैया डायनेस्टी भी पढ़ लेंगे आज इंशाल्लाह ताला, और उसके साथ जनाब हम वो भी पढ़ लेंगे क्या कहते हैं जनाब गजनवी का दौर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब हमारा जो पार्क स्टडी मतलब एक जो मैं आगे पॉइंट पढ़ा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिन्होंने नहीं पढ़ा नो इश्यू, इंशाल्लाह हमारी जैसे स्टडी चल रही है ऐसे चलती रहेगी। तो इसलिए जनाब जो मुशरफ का दौर है ना वो शुरू होता है कब से, 1999 से लेकर 2021 तक हमने पढ़ना है, ठीक है, 2021 तक ये जो पीरियड है पाक स्टडी, इसके अंदर क्या क्या हुआ इसको आप अच्छी तरह ध्यान निशीन कर लेंगे, इसके मुताबिक जनाब हम आगे पढ़ेंगे।
अच्छा जी, 1999 में हर बंदा जानता है कि मार्शल लॉ लगा था। मार्शल लॉ लगने की क्या वजह बनी? ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जनाब रीजन ऑफ मार्शल लॉ। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुशरफ दौर के अंदर, जब मुशरफ दौर से पहले जो दौर था वो था नवाज शरीफ की सेकंड टर्म चल रही थी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि नवाज शरीफ जब बैठा होता है 1997 से लेकर 99 तक, नवाज शरीफ ने 1999 के अंदर बनाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बनाई, और स्पेशल कोर्ट बनाते हुए नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 12 कम कर दी। ठीक हो गया, क्या कर दिया, जजेस की तादाद को क्या क्या कम कर दिया। अब जजेस की जब तादाद कम हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, यहां जल्दी जल्दी आप लिखेंगे, नवाज शरीफ ने स्पेशल कोर्ट बनाने की मंजूरी दी जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 17 से कम करके 12 कर दी गई, 12 कर दी गई। अब जनाब जब जजेस की तादाद 12 हो गई तो क्या हुआ, ये मंजूरी आइन के अंदर 14वीं तरमीम में ये हुई थी, 14वीं तरमीम में सितंबर 1997 में की गई। जिसको क्या हुआ भला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया। अब जन आप देखें जी, देर वाज अ क्लैश बिटवीन पाकिस्तान एंड हुकूमत यानी गवर्नमेंट एंड सुप्रीम जुडिशियल यानी अदालतों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक किस्म का ये क्लैश स्टार्ट हो गया। पहले नंबर पे तो ये वजह बनी, यानी हुकूमत और अदालत के दरमियान, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उसके दरमियान क्लैश हुआ। दूसरा क्लैश क्या हुआ, सेकेंड क्लैश ये हुआ, देर वाज अ क्लैश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन मई 1999 ऑन द एडवाइस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, नवाज शरीफ विजिटेड अमेरिका एंड साइन द सीज फायर एग्रीमेंट, इट वॉज कॉल्ड वाशिंगटन डिक्लेरेशन। अच्छा जी, यहां पर मैं आपको बताऊं कि 1999 के अंदर याद रखिएगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो जनाब, ये जो पाकिस्तान का जो कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा वो है, क्या कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर जो है इस वक्त इंडिया का कब्जे में है, तो पाकिस्तान का लेकिन इस वक्त इंडिया की आर्मी है। सियाचिन ग्लेशियर जनाब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसका सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा हो जाए वो समझो मकबूजा कश्मीर जो इंडिया वाली साइड पे कश्मीर आता है वो सारा कब्जा, ठीक है। तो जनाब 1999 के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन किया और पाकिस्तान आर्मी तकरीबन
इंडिया कश्मीर जो था वो फतह कर चुके थे, ठीक है। उस वक्त जनाब अमेरिका की जो आर्मी थी, अमेरिका की जो मतलब हुकूमत थी, उस वक्त अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? बिल क्लिंटन। मई 1999 में बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को अमेरिका दावत दी और इंडिया के साथ सीज, जिसे हम क्या कहते हैं बोला, सीज फायर एग्रीमेंट, FIRE, सीज फायर एग्रीमेंट पर मजबूर किया। अच्छा जनाब मैं आपको बताऊं कि यहां पर जब नवाज शरीफ जो है मतलब ऑर्डर देता है, उस वक्त जब इंडिया की आर्मी ये देखती है कि कश्मीर जो है हमारे हाथ से जा चुका है और हमारे पास और कोई बात नहीं है, तो उन्होंने आखिरी पत्ता जनाब वाला, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो अमेरिका की जनाब वाला गोद में जाके बैठा, उसने जनाब मतलब कहा कि जनाब ये मसला बहुत गमगीन है, इसलिए जनाब नवाज शरीफ जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि मई 1999 में जब पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के खिलाफ कश्मीर को फतह करने के लिए ऑपरेशन कर रही थी सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया था। तो जब इंडियन आर्मी ने अपनी शिकस्त देखी तो उन्होंने हाथ उठा दिए, और उसके बाद उस वक्त इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो होता है वो अमेरिका का फॉर्म पकड़ता है, उनको कहता है कि जनाब हमारा मसला हल करा। तो वो जनाब फिर नवाज शरीफ को बुलाते हैं फौरन अमेरिका और सीज फायर एग्रीमेंट पर मजबूर करते हैं कि साइन करें, जिसके बाद नवाज शरीफ ने वो सीज फायर के ऊपर जो है साइन किए, ठीक है, जिसको सीज फायर एग्रीमेंट भी कहते हैं या इसको वाशिंगटन एग्रीमेंट भी कहते हैं, वाशिंगटन एग्रीमेंट भी कहते हैं ये आप, ठीक हो गया। इसको सीज फायर भी कहते हैं या वाशिंगटन एग्रीमेंट भी कहते हैं। असल वजह क्या है, 1999 का जो मार्शल आर्ट यहां लगता है उसकी वजह क्या बनी है, असल सवाल ये हो रहा है। अच्छा ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बना, जनरल नंबर 3, जनरल जहांगीर करामत, जहांगीर करामत, जनरल जहांगीर करामत। अच्छा मैं जब बोलता हूं ना आप इसको नोट भी कर लिया करें, ताकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है आप उसको अटेंड कर सकते हैं। जनरल जहांगीर करामत एडवाइज्ड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फॉर नेशनल पर्पज इन अक्टूबर 1999। नवाज शरीफ टुक द रेजिग्नेशन फ्रॉम, अच्छा जहां पर क्या होता है कि जनरल जहांगीर करामत जो होता है ये जनाब क्या होता है कि इसको जो है मतलब है कि हाँ ठीक हो गया, जनरल जहांगीर करामत ने अक्टूबर 1999 में कौमी सलामती का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सिक्योरिटी या सलामती भी मतलब उसी के जमीन में आती है, कौमी सलामती के मकसद के लिए इजलास करने को कहा। किसको कहा, क्योंकि नेशनल एडवाइजर था जहांगीर करामत, तो जनाब नवाज शरीफ को पता था कि जनाब जब नेशनल सिक्योरिटी का मतलब इजलास हो रहा होता है तो उस वक्त तमाम सूबों के वजीर आला और गवर्नर, तमाम जो जितने मतलब डेलीगेशन पावर होती है वो सारे जनाब वजीर मुशीर सारे आर्मी के जितने भी होते हैं वो सारे वहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है ये करें। नवाज शरीफ ने क्या किया, इसका जनाब रिजाइन करा दिया, ठीक है। नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत से इस्तीफा ले लिया,
80 ले लिया। अच्छा जी 80 ले लिया और परवेज मुशर्रफ को इसकी जगह नाम दर्ज किया, ठीक हो गया। तो परवेज मुशर्रफ को जनाब इसकी जगह क्या किया उसने, नाम दर्ज कर लिया। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया कि जनाब एक आर्मी के बंदे के साथ आपने पंगा ले लिया, ठीक हो गया। स्क्रीन शॉट यहाँ बना लें ताकि इसको आगे जो है ना नेक्स्ट पेज पे। लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए, नजर नहीं आ रहा क्यों, मैंने तो काफी जो है मतलब है कि छोड़ के जगह लिखी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहांगीर करामत ने अक्टूबर 1999 में कौमी सलामती मकसद के लिए इजलास बुलाने को मतलब कहा था, ठीक है, जिसको नवाज शरीफ ने रिजेक्ट किया और नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत से इस्तीफा लिया, ठीक है। और इस्तीफा लेने के बाद जो है आपको पता है कि उस वक्त ये क्या कहते हैं आर्मी चीफ होता है, आर्मी चीफ होता है, तो इसलिए नवाज शरीफ ने क्या कर लिया, इसे इस्तीफा ले लिया। और जब इस्तीफा लिया उसके बाद क्या हुआ, उसकी जगह किसको बना दिया, भला मुशर्रफ साहब को। मुशर्रफ साहब जनाब बन जाते हैं इसके क्या कहते हैं जनाब आर्मी के चीफ बन जाते हैं। ये अक्टूबर में लिखी गई, ये अक्टूबर 1998 लिखिएगा, ठीक है। अब अक्टूबर 1998 के अंदर जनाब वाला ये जहांगीर करामत को आर्मी चीफ से नवाज शरीफ ओहदे से हटवा के, ठीक है, और मुशर्रफ को लगवा देता है। लेकिन आर्मी के जितने भी मतलब ये जनरल होते हैं ये ना समझे कि जनाब वो हुकूमत के मुखालिफ है, ये वो उसका साथ देने वाला है, ये सारे मतलब है कि इनके एक ही मतलब एक खास स्ट्रेटजी होती है, उसके मुताबिक ये चलते होते हैं। कभी भी वो किसी हुकूमत का साथ ना दे रहे होते हैं, ना ही उसका पीछा कर रहे होते हैं, बल्कि उनकी एक स्ट्रेटजी होती है जिसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं। ये नहीं है कि जनाब जहांगीर करामत को उतार दे तो मुशर्रफ लगा दे तो नवाज शरीफ का फल होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी बता, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ, ये तो होगी तीन रीजन, तीसरे नंबर पे रीजन क्या बने, नहीं ये तीन हो गए, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे रीजन जनाब ये बनी कि 12 अक्टूबर 1999 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब फॉरन टूर पर थे और नवाज शरीफ साहब ने जनाब वाला उनकी जगह जनरल जियाउद्दीन को न्यू आर्मी चीफ मुकर्रर किया उसकी जगह। लेकिन जियाउद्दीन मतलब है कि आपको पता है कि आर्मी ने क्या किया, आर्मी ने जनाब जियाउद्दीन को अपनी कस्टडी में ले लिया और मुशर्रफ साहब की अराइवल के बाद गवर्नमेंट नवाज शरीफ पर मौका दिया गया और मुशर्रफ ने कंट्रोल संभाल लिया, ठीक है। ये खैर आप सबको पता है इसके बारे में कि असल प्रॉब्लम तो ये था क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज भी हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि अच्छा जी आर्मी हो गया प्रिविलेज ठीक हो गया। अच्छा किसी को ये पता है कि जब मतलब है कि मुशर्रफ किस मुल्क के टूर पर थे, एनीवन किसी याद है, श्रीलंका 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे और इनकी जगह नवाज शरीफ ने जनरल जियाउद्दीन को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया मगर पाकिस्तान आर्मी ने इसको अपने
कब्जे में रखा। मतलब यह है कि उन्होंने जनाब जियाउद्दीन साहब को जो है नवाज शरीफ से मुलाकात न करने दी, बल्कि उनको एक दफ्तर के अंदर महदूद रखा। ठीक है, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ का प्लान अच्छा जी जिसके बाद परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ PLA प्लान हाईजैक का इल्जाम लगाकर हुकूमत का तख्ता उलट दिया और नवाज शरीफ को सऊदी अरब मुल्क बदर कर दिया गया। ओके, समझ आ गई जनाब। फिर नवाज शरीफ को उधर से मतलब चला गया। सर जी एक क्वेश्चन है। जी जी, जब जियाउद्दीन साहब को आर्मी बना दिया तो क्या उसके बाद भी देखो ना, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बंदा कुर्सी के ऊपर बैठा है और एक बंदा जनाबे वाला किसी अपने ओहदे के ऊपर बैठते हुए सरकारी दरों पे जा रहा है। ठीक है, तो सरकारी मतलब है कि वो एक दौरे पर मौजूद है। अब एक नया बंदा वहां पे अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि वो जैसे आएगा उसको जनाब हम हाईजैक करते हैं। प्लान यही था कि जैसे परवेज मुशर्रफ उतरेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, पहले ये वो था, लेकिन आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आर्मी वाले जो है वो इस तरह से मतलब काम नहीं करते। वो जनाब उनकी एक ही बात होती है सारा कुछ, तो इसलिए जैसे यहाँ पर आया तो ये वैसे नवाज शरीफ की गलती है, उसने जनाब एक आर्मी चीफ बैठा हुआ तो उसकी मौजूदगी में जो है उसने ये काम किया। ठीक है, तो बहरहाल ये मामला पीछे से क्या होते हैं क्या नहीं होते ये हमें नहीं पता। फिर भी नवाज शरीफ को जनाब 1999 में इतना कुछ करने के बावजूद भी मतलब है कि उन्होंने 2013 के अंदर फिर दोबारा हलक हुकूमत नवाज शरीफ की होगी। ठीक है, और अभी भी मतलब है कि बहरहाल हिस्ट्री तो बहुत ही गहराई है, आपको पता है। आगे देखेंगे ना। क्वेश्चन है सर। जी जी सर, ये नेशनल एडवाइजर भी थे जो जहांगीर करामत और ये चीफ